बोल दिया कृष्णा इसी का आ जा रहा था मैं आखिरी मानो सर कृष्णा बोलो गुड मॉर्निंग सर कृष्णा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर हम वेट करते हैं गुड मॉर्निंग एक मिनट वेट कर लेते हैं बाकी इन लोग को जॉइन है 1 मिनट और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं गुड मॉर्निंग आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे ना वो हमारा टॉपिक रहेगा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी क्लास में और हम लोग लाइफ को स्टडी करेंगे हम लोग ज्योमेट्री में कैसे उसको डायमेंशनिंग करने का तरीका क्या है अभी तक तो पढ़ चुके हैं हम लोग अभी मतलब चार्ट पेपर का साइज कर लिए बोर्ड का साइज कर लिए हम लोग बॉर्डर का डिजाइन कर लिए कि बॉर्डर कितने का साइज होता है क्या था मार्जिन कितने का साइज होता है लगता है सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है ओके मैं ब्लूटूथ ऑफ कर रहा हूँ आएगा अभी क्लियर है यस सर ओके हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चार्ट पेपर में जब हम लोग मार्जिन ड्रॉ करते तो लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन छोड़ देते अभी बताओ 20 एमएम राइट 20 एमएम टॉप 5 mm का राइट ये हम लोगों ने सीख लिए थे टाइटल ब्लॉक का साइज देखे थे टाइटल ब्लॉक कितने का था उसका चौड़ा टाइटल ब्लॉक का क्या साइज था कुछ रिमेम्बर में है तो 125 ब्रिट एंड 65 एमएम एक्चुअली 185 था वो 185 अगर हम लोग ये देखेंगे चार्ट पेपर का ये यहाँ देखो कितना 185 उसका है लंबाई उसका कितना 185 185 है और ऊंचाई कितना है 65 65 हम लोग ने इसके बाद हम लोग टाइटल ब्लॉक ये रहा टाइटल ब्लॉक में एग्जाम में देने जाऊंगा मेरा आज SBTI एग्जामिनेशन है ड्राइंग का तो मुझे ये टाइटल ब्लॉक बनाना ही बनाना है कंपल्सरी में मुझे इस टाइटल ब्लॉक में अपना नाम तो मैं नहीं लिख सकता एग्जाम है ना एग्जाम में कभी मैं अपना नाम नहीं लिखता हूँ इसलिए मुझे कभी अपना नाम नहीं लिखना लेकिन मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन अगर होता है और मैं कॉपी में मुझे ड्राइंग शीट मिलेगा लिखने के लिए यही मुझे मुझे आंसर कॉपी नहीं मिलता है एग्जाम में मुझे चार्ट पेपर मिलता है एग्जामिनेशन में तो चार्ट पेपर जब मुझे मिलेगा तो मैं क्या क्या लिखूं टाइटल ब्लॉक में क्या क्या लिखना चाहिए मुझे टाइटल ब्लॉक का साइज दिया हुआ देखो यहाँ टाइटल ब्लॉक का साइज दिया हुआ है ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है ना इसमें 65 का में 15, 10 और फिर 10 है ये जो दिया हुआ है साइज जो रिमेनिंग हो जाए देखना जोड़ इसको कितना जाता है 10 + 10 = 20 20 + 10 = 30 30 + 15 = 45 45 और ये कितना हो जाएगा 20 ये 20 का हो जाएगा लेंथ राइट तो 65 का लेंथ को मैंने इस तरह से तोड़ा हूँ तो इस तरह मैंने लेंथ को जोड़ा हूँ लेंथ को जोड़ा हूँ ठीक दिस इज द लेंथ आवाज से नहीं आ रहा ओके एक बार स्टॉप करता हूँ सर फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो गया है अभी जिनका क्लास है वो क्लास में रहेंगे जिनका क्लास नहीं वो अपना फिजिक्स क्लास में चले जाए ठीक है जिनका क्लास है वही रहेंगे बाकी जिनका क्लास नहीं है वो अपना रेगुलर क्लास करते रहेंगे ओके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस वही टॉपिक में मैं शेयर कर रहा हूँ तो ये रहा अब एग्जाम में मैं कॉपी लिखने जा रहा हूँ दैट इज आई एम गोइंग टू फिल द चार्ट पेपर मुझे टाइटल ब्लॉक बना के देना है तो चार्ट पेपर में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार इसके बाद जब हम लोग को काम मिलेगा असाइनमेंट मिलेगा तो हम असाइनमेंट वैसे ही लिखेंगे ध्यान से यहाँ पे मैं अपने कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ GWP दुमका ये मेरा रहेगा क्या जिस कॉलेज का नाम GWP दुमका यहाँ पे समझ में आ गया मुझे पहला ऊपर क्या लिखना है क्लियर है क्योंकि मैं जब आप असाइनमेंट देंगे इस असाइनमेंट में मुझे ध्यान रखना है कि पहले मेरा कॉलेज का नाम आएगा ठीक है जब मेरा मैं असाइनमेंट जब दूंगा तो यहाँ तुम्हारा नाम आएगा यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा दिस प्लेस विल बी कंटेन द नेम
राइट, हम लोग असाइनमेंट जो देंगे, हम लोग जो होमवर्क करेंगे, ये जो हम लोग टास्क देंगे, तो यहाँ पे मेरा नाम रहेगा राइट। लेकिन एग्जाम में नाम नहीं लिखना मुझे है, यहाँ मुझे अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रोल नंबर। रोल नंबर काम करेंगे, असाइनमेंट लूंगा, इस असाइनमेंट में यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा। अब यहाँ पे मेरा रोल नंबर रहेगा, यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखूंगा यहाँ पे मैं, ये मेरा ब्रांच यहाँ लिखाएगा, यहाँ ब्रांच लिख, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा ब्रांच है, यहाँ लिख सेमेस्टर वन, ये फर्स्ट सेमेस्टर, या सब्जेक्ट कोड लिखो इधर पे, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यहाँ पे तुम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अपना लिख सकता हूँ कम्प्लीटली सब्जेक्ट का नाम, या फिर मैं लिखूंगा जो तुमको लगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लिख सकते हैं। फिर ये किस चैप्टर का मैं असाइनमेंट दिया तुमको, किस चैप्टर का असाइनमेंट दिया उस चैप्टर, जैसे मैंने तुमको दिया लाइंस के ऊपर असाइनमेंट दिया, तो मैं लाइंस के ऊपर में दिया गया था काम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा मैं कर्व्स के ऊपर दूंगा, मैं सॉलिड पे दूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे दूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे दूंगा, जो टॉपिक वो होमवर्क रहेगा मैं यहाँ पे वो टॉपिक को लिखूंगा यहाँ पे, उस चीज को क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, यहाँ पे अपना ब्रांच लिखा, यहाँ पर मैं सेमेस्टर लिखा, यहाँ लिखेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई सब्जेक्ट का ये नहीं लिखाएगा, टॉपिक यूनिट नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा सब्जेक्ट का नाम, जो सब्जेक्ट मैं देने जा रहा हूँ एग्जाम उसका वो लिखाएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला टाइटल के साथ में, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन में क्या है, अगर एग्जाम है, एग्जाम में मैं यहाँ सिग्नेचर करूंगा, अपना सिग्नेचर रहेगा मेरा, यहाँ साइन रहेगा, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर रहेगा। फिर ये मेरा किस तारीख को असाइनमेंट में तुमको दिया था और जमा करने का तारीख क्या है, ये शीट नंबर वन, ये शीट जमा करने का तारीख किस तारीख को मैं जमा करूंगा उस तारीख को मैं लिखूंगा। यहाँ मेरा शीट नंबर वन है, ये कनिका निहारिका कौन है, ये शीट नंबर वन मैंने जमा किया था, शीट नंबर वन लिखूंगा, तो ये रहेगा मेरा टोटल बैलेंस। इस तरह की चीजों को मैं यहाँ पे सबमिट करने के टाइम पे असाइनमेंट के रूप में लेके चलूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, किसी को इसमें डाउट? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लकीर जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, अलग अलग लकीर का ड्रॉ करने का अलग अलग मतलब, अगर मैं पतला लाइन ड्रॉ किया हूँ, मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूँ, जिनका क्लास है वो क्लास में रहेंगे, जिनका क्लास नहीं वो क्लास में नहीं रहेंगे, जिनका क्लास है वो क्लास में रहो, जिनका क्लास नहीं है वो दूर चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनका क्लास है, मैंने कॉमन क्लास रूम बना रखा हूँ इसी के लिए, ये सबके पास नोटिस जाएगा। अगर मैं सेपरेट सेपरेट क्लास नहीं क्रिएट किया हूँ कि इलेक्ट्रिकल का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, तो चलते हैं हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स। अब हर एक लाइन्स का मतलब है, देखो यहाँ पे इस लाइन का हम क्या देख पा रहे हैं, मुझे एक बार रुको तो थोड़ा सा इन लोगों को म्यूट कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग चैट कर रहे हैं सेक्शन में, और चैट सेक्शन में क्लास के बीच में वो सारा चैट आ रहे हैं। देख, ये रहा कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिक लाइन, ये लाइन का मतलब समझना है, ये लाइन का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। कंटिन्यूस थिक लाइन कुछ दिखने में ऐसा होता है राइट। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन तेरा क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए, अब तेरे को पहचानने का, डॉक्टर जो मरीज होता है ना, डॉक्टर पूछता है कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, बुखार आया था, सर्दी आया था, भूख नहीं लग रहा है, ये सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से दवाई लिखता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे लाइन्स को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरह का लाइन ड्रॉ किया गया है, किस तरह का लाइन ड्रॉ किया गया। तो मैं देखता हूँ ये थिक लाइन है, ये थिक लाइन है, ये क्या है, एक मिनट जस्ट सुनना, ये चल रहा है चैट सेक्शन में, बाकी को बोलो क्लास चल रहा है उनको चैट करना बंद करें, मेरा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है तुमको? यस सर, यस सर, यस सर, उनको बोलो
तो बोलो चैट को नहीं करने के लिए, क्लास के बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, ये चैट जो चल रहा है कि जिनका फिजिक्स क्लास है वो फिजिक्स क्लास में चले जाए, मैं किसी को रोक के नहीं रखा हूँ क्लास में। आई एम टेलिंग दैट आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवन टू ज्वाइन माय क्लास, मेरे क्लास में मत रहो, आपका क्लास फिजिक्स है तो फिजिक्स क्लास में चले जाओ जिनका क्लास है। दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्रिएट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, चैट हो रहा है। जिनका क्लास है फिजिक्स है वो फिजिक्स क्लास में जाए, और जिनका ग्राफिक्स क्लास है वो ग्राफिक्स क्लास में जाएंगे। मैं कॉमन क्लासरूम बना रखा हूँ, इससे ये मतलब नहीं है कि सबको ज्वाइन कर ले, मेरा क्लास नहीं है मैं नहीं करूंगा। स्टॉप टेलिंग मैसेजिंग दैट, जिनका क्लास है वो क्लास करेंगे, बाकी लोग मैसेज करना बंद करें। ये चल रहा लग रहा है कि चैट चल रहा है, ये बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट बना दी उन्होंने, पढ़ने का क्लासरूम है और सोशल चैटिंग बना कर रखे प्लेटफॉर्म जैसा। इसको बंद करेंगे, बोलो तुरंत सभी को अपना ग्रुप में मैसेज करो, वो व्हाट्सएप ग्रुप में। सर ये सारे लड़की लोग सिविल की है, ये हम लोग के ग्रुप में नहीं है। उनके ग्रुप में मैसेज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और हम लोग के ग्रुप में मतलब इसमें चैट स्ट्रक्चर में लोग का मैसेज नहीं आ रहा है। स्टॉप चैटिंग बोल दिया है, वो लोग स्टॉप कर रहे हैं। सर ट्रीटमेंट है ना जिसमें, ठीक है मैं भी मैसेज कर दिया, मैं भी वो लोग चैट किए जा रहे हैं, चैट किए जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, और ये अब बीच में ये चल रहा है पॉपअप चल रहा है, मैसेज का पॉपिंग हो रहा है, ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है। जब पढ़ा रहे हो तो कंटिन्यूअस फोकस हमारा सब्जेक्ट होता है, और उस चीज को हम लोग बीच में चैटिंग है, क्लास हो रहा है नहीं हो रहा, फिजिक्स क्लास है कैमरे, ग्राफिक्स क्लास नहीं है, अरे तुम लोग अपना सेपरेट चैट करो, ये टीचमेंट भी कैसे चैट करो तुम लोग, चैट करने के लिए मैं टीचमेंट नहीं बनाया हूँ, मैं पढ़ने के लिए बनाया हूँ टीचमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं लाइंस के बारे में, लाइंस हमारा जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, वी विल फोकस ऑन द लाइंस, वी हैव टू आइडेंटिफाई लाइंस, हम लोग लाइंस को पहचानना पड़ेगा क्या लाइंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हर एक लाइंस का एक अलग मतलब होता है, उस लाइन का समझते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में देख रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइन देखते हैं, इसको हाईलाइटर में करता हूँ, हाईलाइटर, ये कंटिन्यूअस थिक लाइन है, कंटिन्यूअस थिक लाइन है, इस कंटिन्यूअस थिक लाइन का इंपॉर्टेंस क्या, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, इसको हम लोग करते हैं क्या चीज है, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं विजिबल आउटलाइंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि तू सर्कल बनाएगी, ये मैंने एक बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऐसा कुछ ऐसा बना दिया ऑब्जेक्ट ऐसा, ये मैंने थिक लाइन से बनाऊंगा, ये थिक लाइन से बनाया मैंने, दिस इज अ थिक लाइन, ये थिक लाइन से बनेगा, ये थिक लाइन से बन रहा होगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये विजिबल आउटलाइन, मतलब ये दिखता है, ये सॉलिड है, बनेगा, मतलब कोई चीज को अगर लकड़ी का मैंने को दिया, लकड़ी का मैंने दिया तो लकड़ी का एज दिखता है, अगर वो एज दिख रहा है दैट इज विजिबल, वो दिख रहा है, मतलब वो अगर लकड़ी का कोना या दीवार का, समझ में नहीं आया सर, इसको फिर से समझाइए। अच्छा मैं फिर से समझा रहा हूँ, हम लोग कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिक लाइन का मतलब क्या है, अगर मुझे किसी ड्राइंग में थिक लाइन दिखता है कहीं भी, तो मैं कंक्लूड क्या करूंगा कि ये विजिबल जो है ना, विजिबल पार्ट है, आउटलाइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉक्स है, कोई बॉक्स है तो बॉक्स एज दिखेगा ना, उसका एज विजिबल है, वो एज दिखने वाला, मतलब ऊपर सरफेस और राइट साइड का सरफेस जब दोनों मिलेगा, तो जब दो सरफेस मिलता है तो क्या बनता है एज, मैं बोलता हूँ कि एक टॉप सरफेस है, एक कूट देखता हूँ, कार्टून देखता हूँ, तो कार्टून पे जो है ऊपर का बक्से का सरफेस और राइट साइड से एक सरफेस जा रहा है, दोनों सरफेस मिलेगा तो क्या बनेगा, वो एज बनाएगा, राइट। अगर वो एज को दिखाना, मुझे वो एज को विजिबल एज है, वो दिखता है, उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम यूज करेंगे क्या चीज का, ये लाइंस का, विजिबल लाइंस, हम लोग कंटिन्यूस थिक लाइंस को यूज करेंगे, कंटिन्यूस थिक लाइन यूज करेंगे, क्लियर क्लियर है वाला, ओके। अब हम लोग को समझ में आ गया थिक लाइन हम लोग क्यों यूज करें, जहां पर जो चीज विजिबल है, दिख रहा है, सॉलिड है, सॉलिड विजिबल चीजें हैं, उसको दिखा रहे हैं थिक लाइन से। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है, और उसको ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहे हैं पेंसिल, एच पेंसिल, कंटिन्यूस थिक लाइन को हम लोग ड्रॉ करने किसे, एच पेंसिल से, ये वो डिपेंड करता है तुम्हारे पे, फिर कंटिन्यूस थिक लाइन, पतला सा लाइन ड्रॉ कर, मतलब डार्क लाइन है, ये भी डार्क लाइन है लेकिन मोटा ही है, पतला एकदम ड्रॉ किया, ठीक है। एक देख, अगर मैं बोलूंगा लाइन ड्रॉ करने का, तो ये रहा एक पतला कंटिन्यूस लाइन है,
इसी लाइन पे दो लाइन में मैं दो बार इसको कर देता हूँ, ये क्या हो गया, थिक लाइन हो गया, ये थिक लाइन हो गया और ये हो गया थिन लाइन, ये पतला लाइन। तो दोनों लाइन का मैं मतलब समझ रहा हूँ, एक थिक लाइन का क्या था, विजिबल आउटलाइन, इसका किस लिए यूज करो मैं, डायमेंशन करने के लिए, किसी चीज को एरो दिखाने के लिए, जैसे कि ये दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये क्या है, एरो, डायरेक्शन, डायमेंशंस, उसका थिकनेस, मोटाई कितना है, उसका डायमीटर कितना है, ये सब शो करने के लिए मैं इस चीज को लाइन यूज करता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूस थिन लाइन बना रहा हूँ, कंटिन्यूस थिन लाइन बना रहा हूँ, इसका मतलब वो डायमेंशन बता रहा है, डायमेंशन है, थिकनेस है, डायमीटर है, मतलब वो बाहर की तरफ। हाँ बता सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो वीडियो सही आएगा? हाँ, वीडियो सही आएगा, वीडियो मेरा सही आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग तेरे को सही मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग इतना परफेक्ट मिलेगा तेरे को। सर बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से मैं अपना नेटवर्क को देखता हूँ, तो मेरा नेटवर्क, मैं कॉलेज की छत पे आके बैठा हूँ इसी के लिए, ताकि नेटवर्क किसी को दिक्कत नहीं जाए। तुमको दिख भी रहा होगा शायद मेरा स्क्रीन, उस पर 4G का मैंने दूसरा सिम ऑफ करके रखा हूँ इधर उसके, क्योंकि वो जियो का है, ये एयरटेल का है, एयरटेल का नेटवर्क इस जगह बेहतर है, इसलिए मैं इस जगह पे एयरटेल का यूज करता हूँ और बेहतर नेटवर्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, रिकॉर्डिंग सही नहीं है। तो अब हम दो तरह का लाइन समझ चुके हैं, कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन। कंटिन्यूस लाइन हम लोग यूज करते हैं विजिबल सरफेस को दिखाने के लिए, विजिबल एजेस को दिखाने के लिए, जो विजिबल एज है उसको दिखाना था, कंटिन्यूस थिक लाइन कोई डायमेंशन दिखाना है, कोई डायमेंशन दिखाना है, जैसे ये एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं तुमको, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमेंशन दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये है, डायमीटर जो है 30 है, मतलब मैंने ये लाइन जो ड्रॉ किया वो थिन लाइन है। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा ब्लॉक, ये इसका ऊंचाई जो है, ये लेंथ जो है 20 mm, तो ये जो मैंने शो किया, ये जो लाइन ड्रॉ की, इसको थिन कंटिन्यूस लाइन से बनाया मैंने, जैसे मैंने डायमेंशन शो करने के लिए यूज कर रहा हूँ। डायमेंशन शो करने के लिए कौन से यूज, थिन लाइंस, ये देखो, ठीक है। इसके लिए पेंसिल कौन से यूज कर रहे हैं, पेंसिल कौन करना चाहिए, ऐसे रिकमेंडेड है, लेकिन काफी ड्रॉ करता है तो कोई इशू नहीं है। अब ये है वेवी लाइन, है वेवी लाइन मतलब कंटिन्यूस वेवी लाइन, मतलब हिलता डुलता लाइन है पूरा, कुछ मैंने ये लाइन जो ऐसे से, ये है ना, ऐसे से बना दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, कोई सरफेस को तोड़ दिया। अगर मैं मान के चल एक वुडन लग का प्लाई है और उसको मैं तोड़ दिया हूँ, और उसका मैं बोलता हूँ ना सामने वाले फ्रंट सरफेस दिखाने के लिए, तो टूटा हुआ सरफेस दिखेगा, मतलब वो स्ट्रेट नहीं दिखेगा, बल्कि वो कुछ दिखेगा ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, टूटा हुआ सरफेस दिख रहा होगा। तो ये कंटिन्यूस जो लाइन है ना, ये इरेगुलर शेप्स को दिखाने के लिए होता है, मतलब वो शेप उसका परफेक्ट नहीं है, ये इरेगुलर बाउंड्री है, वो इरेगुलर बाउंड्रीज है, इरेगुलर बाउंड्रीज को दिखाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये एक सर्कल है, ये स्पीयर है, एक सॉलिड बॉल स्पीयर है, इस सॉलिड स्पीयर बॉल को मैंने एक पटक के तोड़ दिया, अब होता है ये दो भाग हो गया, तो अब ये चीज ऐसा शो होगा, ये वाला सरफेस ये सर्कल है और ये कुछ ऐसे से शो कर रहे हैं, ये दूसरा सर, मतलब क्या है, दो पार्ट, मतलब ये ऐसे नहीं शो किया मैंने, ऐसे नहीं किया, मतलब ये एकदम कट नहीं किया कि मैंने एक ब्लेड लिया उसको एकदम अच्छे से काटा हूँ, स्मूथ काटा हूँ, नहीं, बल्कि मैंने उसको पटका हूँ तो इरेगुलर सरफेस बन गया है, इरेगुलर, जैसे मैंने उसको ब्रेक किया तो इरेगुलर सरफेस बन गया है, तो ये इरेगुलर लाइंस को शो किया गया है, ठीक। अगर मुझे इस तरह का लाइन दिखता है मुझे ड्रॉइंग में, अगर मुझे इस तरह का लाइन दिखेगा, इफ आई एम ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ लाइन इन माई डायग्राम, सो आई विल बी सेइंग दैट इट इज इरेगुलर बाउंड्री, मतलब उसका कोई सरफेस परफेक्ट नहीं है, उसका कोई सरफेस नहीं है, एज उसका परफेक्ट नहीं, मतलब स्मूथ एज नहीं है, वो ऊबर खाबड़ वाला एज है, उसका एज जो है वो टूटा फूटा में है, उसमें कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, इस तरह का उसका एज है। मान के चल कार्टून का हम लोग देखा था ना, एक सरफेस दोनों सरफेस एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री मिल रहा था,
एकदम स्मूथ मिल रहा था लाइन, लेकिन हम लोग का अगर कोई सरफेस एकदम स्मूथ नहीं मिल रहा होगा तो वो इरेगुलर लाइंस कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अब देख ये वाला लाइंस का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। ये थोड़ा सा ना एग्जामिनेशन में इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, इसको तू इस्तेमाल की है। अगर मैं इसको बोलूंगा ये तूने यूज की है, ये लाइन को तू इस्तेमाल की है मैथमेटिक्स ग्राफ पेपर में, याद कर, ग्राफ पेपर में इसको यूज की है तूने। अगर हम लोगों ने कहाँ यूज किया है? यस सर। मैथमेटिक्स ग्राफ में हम लोग यूज करते थे ऐसा करके, ऐसे करके किंक, इसको हम लोग कहते थे किंक, हम लोग यूज करते थे किंक। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है मिल रहा है। हाँ, ये जैसे यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 इससे हम लोग लिखते हैं कंटिन्यूस, एक एक यूनिट इंक्रीज कर रहा है, एक एक यूनिट कर रहा है। लेकिन अगर बाय चांस यूनिट अचानक स्टार्ट हो जाए 200, 200 उसके बाद 210, इसके बाद 220, तो ये बाकी जो रिमेनिंग था वो कहाँ गया? इसको दिखाने के लिए मैं इसके आगे का वैल्यू कुछ नहीं अवेलेबल नहीं है, ये 200 स्टार्ट है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम लोग लेते हैं एग्जांपल, लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, हाँ, इसका ड्राइंग एकदम सेम टू सेम है, सेम टू जैसा ये सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब सेम ड्राइंग बनाना है, और ये 121 इस तरह का मुझे 121 बनाना है, तो मैं बार बार 121 थोड़ी बनाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसा कर दूंगा कि ऐसा कर दूंगा, जिगजैग बना दूंगा, उसके बाद बाकी यहाँ पे कर दूंगा और ऐसे ही बना दूंगा सेम, लिख दूंगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल 121 है, 121 फ्लोर है इस पे, टोटल 121 फ्लोर्स है। मैंने ड्राइंग बनाते टाइम पे क्या किया, वो फ्लोर नंबर, इसके बाद दिखा दिया किंग, दिखा दिया क्या, ये है 19, 20 और 121, ये रहा लास्ट का 3 दिखा दिया, नीचे का 3 दिखा दिया, और बीच में सेम चीज है, मतलब सेम रिपीट है, ऐसे ही रिपीट हो रहा, बार बार सेम टू सेम आ रहा, मतलब ये फ्लोर का डिजाइन, ये फ्लोर, इस फ्लोर में भी सेम रहेगा, मतलब इसके बाद का फ्लोर का डिजाइन सेम है। तो मैं बार बार वो चीज को ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, बार बार ड्राइंग बनानी जो थी, बस जस्ट इसमें क्या कि मैंने इस बिल्डिंग में मैंने यहाँ तक बनाया, उसके बाद किंग मैंने दिखा दिया, किंग बना के यहाँ पे बना दिया, मतलब ये डिजाइन और ये डिजाइन सेम है, ये इसके बीच में टोटल 121 फ्लोर था, यहाँ पे 3 फ्लोर, यहाँ 118, 119 और ये 120, 121, टोटल 121 फ्लोर तक है लास्ट तक का, इसलिए मैं 121 ड्राइंग नहीं बनाता रहूंगा बार बार, इसके लिए मैंने किंग यूज किया। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया लाइन, मैंने इसलिए ये जिगजैग लाइन, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यूज किया कौन सा, तीन लाइन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सा लाइन डिस्कस की हमने, थिन वेवी, वेवी लाइंस, दैट इज जिगजैग लाइंस। चार लाइंस डिस्कस समझ में आ गया है? यस सर। चार लाइन का मतलब समझ में आ गया है? यस सर। अब मैं हम लोग का इस पर टास्क रहेगा, असाइनमेंट भी रहने, क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट, ये यहाँ से तुमको कॉपी पेस्ट डायग्राम को तुमको टेबल में बनाना है चार्ट पेपर में, तो दूंगा ये टास्क, तो ये ध्यान से याद रखना कि मैं ये एप्स और लाइन का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इसलिए असाइनमेंट में यूनिट वन कंप्लीट होगा, यूनिट वन कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक असाइनमेंट करेंगे, मतलब प्रैक्टिस भी जरूरी है, कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कर रहे हैं और हम ड्राइंग नहीं सीखे, नहीं तो वो ड्राइंग इंजीनियर क्या बनेंगे मुझे नहीं पता। मुझे एक इंजीनियर बनाना है तो डेफिनेटली मुझे उसको ड्राइंग आना चाहिए, वो समझा सके अपने व्यूज को, और मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके लिए चार्ट पेपर में तुमको ड्रॉ करवाऊंगा, अगर नहीं ड्रॉ करवाऊंगा तो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है, ना कि ऐसे ही मुझे कोई ऐसे बोलने जा रही है कि ना ये कोविड वाले बैच से इनको ड्राइंग वाइंग कुछ नहीं आता है, ये नहीं हो। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे, वी विल प्रैक्टिस एंड वी विल जस्टिफाई आवर सब्जेक्ट। मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ के आया, मुझे पता है कैसे ड्रॉ करना है, वी नो दैट, सो दैट्स व्हाई वी विल प्रैक्टिस। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इससे, और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, जो भी है लगेगा, 1 आवर लगेगा, 1.5 आवर लगेगा, डेफिनेटली वी आर रेडी टू गिव 1.5 आवर फॉर प्रैक्टिस ऑफ गुड वन, बट वन के एक सप्ताह में मुझे मिलने वाला है, डेफिनेटली आई विल प्रैक्टिस इट।
सीखने के लिए मैं पढ़ूंगा, ये नहीं कि मुझे ऐसे भी ये कर लेना है, खाना पूरा है, होमवर्क करके, वो नहीं, सीखना मुझे है, मुझे ड्रॉ करके अपने हाथ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं अपना है एक मेरा खासियत क्या मैं बताता हूँ, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के या फिर किसी चीज को पकड़ के मैं बोल सकता हूँ दिस इज द, इसका ये थिकनेस होगा। मैं, मेरे पास ये हुनर है, आई एम नोइंग दैट, कि मैंने प्रैक्टिकल वो किया हूँ। जब मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता हूँ या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ ना, मेरे आंख पे पट्टी बांध दिया, मुझे बोल कि ये ऑब्जेक्ट को पहचानिए, ये किस मटेरियल का बनाया है इसको पहचानिए, और इसका थिकनेस कितना होगा ये बताइए मुझे। मुझे वो हाथ में, वो मेरे हाथ में वो चीज फीलिंग्स आ चुका है। जब मैं कोई चीज को पकड़ता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ये है, इस इंस्ट्रूमेंट को जो तुम मुझे दियो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये एप्लीकेशन ये यूज है, इसका थिकनेस इतना है, और इसका इस मटेरियल का बना हुआ है ये। मैं बिना देखे वो चीज कर सकता, क्योंकि वो फीलिंग्स मेरे हाथ में आ चुका है, प्रैक्टिकल मैंने किया हूँ, उसी सीखा हूँ, वो हुनर आ गया है। अगर हाथ में मुझे पेंसिल पकड़ा देता है ना, तो पेंसिल पकड़ाने के बाद मुझे पता है कि मुझे ड्राइंग कैसे बनाना है उसका। मैं उसको पेंसिल से पूरा चीज बना के ड्राइंग को कंप्लीट करके बता सकता हूँ कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का ये डायग्राम ऐसा बनेगा। मुझे वो चीज स्किल मैंने सीख लिया हूँ, दिस इज स्किल प्रैक्टिस, जिसको बोलते प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज आता है। अगर तेरी मम्मी को मैं बोलूंगा कि घर में खाना बनाने के लिए, उनको पता है, सब कुछ पता है, आग बंद करके बोलते हैं कि उसमें वो चीज नहीं हुआ है, इसी के लिए ऐसा टेस्ट आ रहा है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उनके वो चीज हुनर उनके हाथ में हाथ आ चुका है। पापा के हाथ में जैसे कि कुछ लोग टाइपिंग का, वो कंप्यूटर की तरफ देखते हुए नहीं बात करते रहते हैं, वो हाथ उंगली चलता रहता है उनका, उंगली और उनका कीबोर्ड के बीच में कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, उनको जरा भी लॉजिक नहीं लगा रहा है कहाँ पे ए है कहाँ पे डी है, उनको जरा भी नहीं लगा। प्रैक्टिस, दिस इज अ प्रैक्टिस, जो हमारे हाथ में नहीं आया है वो ड्राइंग में हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड द कंटीन्यूअस थिन लाइन, वेवी लाइंस एंड किंक लाइन, दैट इज ज़िगज़ैग लाइंस। यहाँ ध्यान दे, ये शॉर्ट डैश लाइन है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जूम करके, तो ये लाइन कंटीन्यूअस लाइन जैसा दिखता है, ये डैश लाइन है, शॉर्ट डैश लाइन, ये शॉर्ट डैश लाइन जो है ना, इसका मैं जूम जरा सा ध्यान देना, देख दोनों के बीच में डिस्टेंस रखा गया, देखना लाइंस को ध्यान से देख, इस लाइन में क्या किया गया है, छोटा छोटा डैश ड्रॉ किया गया, छोटा छोटा डैश ड्रॉ किया गया, और दो डैश के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। क्या करेंगे इस लाइन को, कहां इस्तेमाल करेंगे, इसका एप्लीकेशन है इनविजिबल, मतलब मैं खड़ा सर, मेरा वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, एक कॉल आ रहा था बीच में, इसी के लिए वो सच से डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो अभी आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, यस सर, यस सर। मैं ये बता रहा हूँ, हिडन है, मतलब हिडन लाइंस, डैश लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्या होता है हिडन, मतलब लाइंस कैसे हिडन लाइंस होता है, जो मतलब लाइन क्या हुआ बट दिखे ना, एक बॉक्स हमारा, ठीक है, एक मैं ड्रॉ करता हूँ इस डायग्राम को, अब उसको दिखाएंगे हम हिडन में। ये मेरा एक है, ये मेरा बॉक्स है, कार्टून है, कार्टून है, ये कार्टून है, मैं कैसा लीजिए ना, बड़ा अजीब सा है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत जा रहा है क्या, ठीक है, ये कार्टून है, प्रॉब्लम पता नहीं, टच स्क्रीन है, इसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इससे मैंने एक बॉल को रख दिया हूँ, इसके अंदर में एक बॉल रख दिया मैंने छुपा के, ठीक है, इस कार्टून के अंदर में बॉल रख दिया हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि इसका कार्टून का पिक्चर बना के दिखाएंगे, इस कार्टून का पिक्चर बना के दिखाइए, तो तू कैसे बनाएगी, तो कैसे बनाएगी कार्टून, इसका कार्टून का जब ड्रॉ करेगी, ये रहा आउटलाइंस, आउटलाइन लाइन से मैंने, डार्क आउटलाइन से मैंने ड्रॉ किया, ये रहा एज, इसके विजिबल एजेस है, नहीं ये ऐसे नहीं दिखेगा, मैंने गलत बना दिया। इसका फ्रंट व्यू बोलता हूँ, फ्रंट व्यू दिखाने के लिए, तो फ्रंट व्यू में कहते दिखेगा ये ऐसा दिखा होगा, ये ऐसे दिखेगा फ्रंट व्यू में, बॉक्स मेरा ये जो कार्टून है कुछ ऐसे दिखा होगा फ्रंट व्यू में, यस सर, लेकिन इसके अंदर मैंने एक बॉल भी रखा था, वो तो दिख नहीं रहा है,
उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर वो बॉल भी रखा है ना, छुपा हुआ बॉल है, इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, डैश लाइन यूज करेंगे, मतलब इस बॉक्स के अंदर में एक बॉल रखा हुआ है जो कि हिडन है, मतलब वो दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर है, तो इसको मैंने किस लाइन से दिखाया, मैंने हिडन लाइन को दिखाया मैंने किससे, डैश लाइन, ये समझ में आ गया है? यस सर, यस सर, इनविजिबल सर्फेसेस है या इनविजिबल एज है उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम यूज करेंगे शॉर्ट डैश लाइन। कैसा है शॉर्ट लाइन डैश लाइन, ये दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ये चीज लाइन? यस सर, ये शॉर्ट डैश लाइन। अब ये लॉन्ग डैश लाइन देख, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला जो है लॉन्ग डैश लाइन है, देख दोनों डैश लाइन का अंतर देखना, ये शॉर्ट डैश लाइन है और ये है लॉन्ग डैश लाइन। लॉन्ग डैश लाइन का क्या यूज है, सेंटर ड्रॉ करने के लिए, सेंटर मतलब इसका, इस सिलेंडर का सेंटर दिखाना मुझे, इस सिलेंडर का, तो ये रहा एक बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन फिर छोटा लाइन, इस तरह का मैं दिखा रहा हूँ, तो ये क्या शो कर रहा है लाइन, मतलब ये सेंटर है, मतलब ये सिलेंडर का सेंटर है, मैं बोलता हूँ इस रेक्टेंगल का सेंटर बताइए, तो ये रहा बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन, इस तरह से किया, दैट मीन्स ये सेंटर लाइन, यहीं से सेंटर इसका है, मतलब ये सेंटर इसका लेंथ का सेंटर हो गया, ये इसका यहाँ से सेंटर ये वाला हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये सेंटर को दिखाने के लिए, सेंटर को दिखाने के लिए मैं इस तरह का लाइन यूज करता हूँ, क्लियर? लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट हमारा है जो हमारे हमारे ब्रांच के साथ हमारा जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्ग थिक चेन लाइन। लॉन्ग थिक मतलब हमारा जो लास्ट का ये वाला है, ये देख, यही लाइन है, यही लाइन है, ये वाला भी लाइन सेम है, इसके सेम ही है, अब ये एज थिक कर दिया गया, मतलब इस जगह थिक कर दिया है, इस जगह थिक कर दिया गया है, दोनों जगह थिक कर दिया, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या कंक्लूड करेंगे, मान के चल तेरे को एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसका, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ सर इसके लिए, मैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहूंगा, मैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोच समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आएगा सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में, इसलिए मुझे उधर पे समझाने के लिए पहले यहाँ से सारा चीज करना पड़ेगा। ये मेरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक बच्चे को बोलता हूँ कि आप इसको काटिए, जैसे जैसे मैं इस पर मार्कर से मार्किंग किया हूँ ना, जैसे मार्कर से मैं इसको लाइन दिया हूँ, ऊपर में आपको आउटलाइन दिया हूँ, वहीं पर आपका चाकू चलना चाहिए, उसके अलावा आपको कहीं नहीं काटना, जहां जहां ये रेड लाइन दिख रहा है वहीं पर आपका ब्लेड चलना चाहिए, हेक्सो ब्लेड चलना चाहिए, और वहीं से आपको काट नहीं करना, जो मैंने यहाँ से दिखाया कि आपको इस जगह स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग करा है, यहाँ से काटते चलिए, यहाँ से काटते चलिए, यहाँ से काटते चलिए, फिर ऊपर जाइए, फिर ऊपर जाइए, फिर यहाँ जाइए, ऊपर के सरफेस पे जाइए, और यहाँ से कट करके यहाँ से एंड कर दीजिए, दिस इज द एंड पॉइंट। तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, क्या शो कर, कट लाइंस, ये मतलब है कट लाइन, मतलब इस जगह से स्टार्ट करना है, इस जगह से मैंने कट स्टार्ट किया, या इस जगह स्टार्ट किया और एंड यहाँ पे हुआ, दूसरे एंड पे मैंने एंड कर दिया, क्लियर? यस, ये बात, यस, मैंने ये लाइन यूज किया, ये लाइन यूज किया सर शो करने के लिए किस जगह से इसको कट करना, किस पोजीशन से कट करना, कहां से कट करना और कितना दूर तक कट करना। अगर मुझे कोई चीज को दिखाना है कि मुझे एक स्पेयर बॉल है, एक स्पेयर बॉल है, ये स्पेयर बॉल है, मैं बोलता हूँ इस जगह से कट करना चालू कीजिए, अब इस जगह से कट कीजिए और इस जगह से एंड कीजिए, यहाँ से जाना चाहिए लाइन से, आपके कटिंग जो ब्लेड है ना, ब्लेड इसी जगह से जाना चाहिए, तो ड्राइंग में मुझे वो चीज दिखाना है, तो ये कटिंग लाइंस हो गया, इसको क्या कहेंगे, कौन सा लाइन कहेंगे हम लोग, कटिंग लाइन, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज के लिए इतना ही करने देता हूँ, ठीक है, आई विल नॉट टेक मच टॉपिक, थोड़ा सा लाइन टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ये कंपटीशन एग्जामिनेशन में आते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन में आते हैं ड्राइंग को रीड करने के लिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मतलब एक डायग्राम दिया जाएगा, हमारा कंपटीशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसा आता है,
ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ कुछ दिया हुआ है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, और उसके बाद ए ए बी और सी का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे तुमको बताना है कि ए लाइन कौन सा है, बी लाइन कौन सा है, सी लाइन कौन सा है, आइडेंटिफाई कीजिए और सीक्वेंस सही लगाइए, सीक्वेंस में कैसे बिठाना है। अगर तुमको लाइन समझ में आ गया है, कितना है, ज्यादा लाइन्स है नहीं, अगर मैं बोलूंगा ज्यादा लाइन्स नहीं है, जितना है टोटल कितना है, एक दो तीन और यहाँ पे चार पाँच छः सात, टोटल सेवन लाइन्स है, सेवन लाइन्स को तुमको रिमेम्बर करना है, एप्लीकेशन को याद रखना है, हो गया, टॉपिक इज बीन कम्प्लीट, लाइन्स टॉपिक इज बीन कम्प्लीटेड, यही टॉपिक हम लोग का करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेटर्स पे करेंगे, लेटर्स कैसे लिखा जाता है, हम लोग ड्रॉइंग शीट में कैसे लिखेंगे, टेक्निकली कैसे लिखा जाता है, ये नहीं कि हम लोग अपने मर्जी से ए बी सी जैसा तुम्हारा मर्जी आ रहा है वैसे लिखोगे, वैसा नहीं है, यहाँ एक रूल है, उस रूल को हम लोग लिखने का तरीका भी हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कस अबाउट द लेटर्स, हाउ द लेटर्स विल बी मेंशन्ड, हम लोग लाइव पढ़ते हैं, यस दैट नोट्स व्हाट दैट सेवन टाइप्स ऑफ लाइंस वी हैव स्टडी टुडे ऑफ दैट एंड वी विल फॉलो अप द क्लास नेक्स्ट टाइम, हम लोग नेक्स्ट टाइम लेटर्स सब्जेक्ट से ओके सर स्टार्ट करेंगे, ओके सो एंडिंग द क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।